वहाँ पे क्या क्या करेगा वैसे? मैं गेम खेलूंगा, होटल में खाना खाऊंगा। आरू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बस होटल में गेम खेलेगा, खाना खाएगा और होटल में ही रहना है उसको। एक घंटे की सर्चिंग के बाद हम लोग को एक अच्छा सा क्लार्क नाम का होटल मिल गया पूरे लखनऊ में। और वो तो कैसा लग रहा है होटल? होटल इतनी देर से कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम अरुण मिश्रा एंड आज फाइनली हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको रिपब्लिक डे वाले व्लॉग में कहा था कि हम लोग लखनऊ जाएंगे कुछ दिनों में, एंड मैं उसको तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा, डे वन, डे टू एंड डे थ्री। सो आज डे वन है, डे वन की ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। सो मेरे को थोड़ी बहुत काम दिया गया है, डिक्की में सामान सारा पैक करके रखना है। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग टुडे। तो अभी सारा सामान रखना है। आरू वो वाला ले ले यार, छोटा वाला। सो ये तो पहले ऐसा सामान है, एक सेकंड। कैसा लग रहा है? बहुत टाइम बाद बाहर जाया है। सही है। वहाँ पे क्या क्या करेगा वैसे? आरू को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बस होटल में गेम खेलेगा, खाना खाएगा और होटल में ही रहना है उसको, और कुछ नहीं। तो इस बार मेरा ब्लॉगिंग का मेन सामान है, अगर इसको नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, तो इसको लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो फाइनली गेट लॉक हो चुका है और हम लोग निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। फाइनली याद आई घर की। तो चलो लखनऊ के लिए निकलते हैं। और तो फाइनली हम लोगों ने 300 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले ही लिया, मतलब लंच के लिए। अभी हम लोग ने मथुरा, वृंदावन ये सब ट्रैवल कर दिया, मतलब 300 किलोमीटर एकदम। हम लोग होता है ना लखनऊ और दिल्ली के एकदम बीच में, सेंटर पॉइंट पे आगरा में रुके हुए हैं। सो यू नो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो लंच करने का सोचा। सर अभी हम लोग ने जस्ट खाना खाया, लिटरली बता रहा हूँ खाना बहुत तगड़ा था। मतलब लखनऊ में आओगे तो मतलब खाना तो अच्छा मिलेगा ही, बट ये खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी हम लोग कार में जा रहे हैं, 300 किलोमीटर और जाना है हम लोग को लखनऊ पहुँचने के लिए। यार मेरा मन नहीं करा बिल्कुल भी, मतलब 300 किलोमीटर और गाड़ी में बैठने का, थक चुका हूँ मैं। तो मैं थोड़ी देर और देख, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर लखनऊ पहुँच के मैं आप लोग से बात करता हूँ। खाना कैसा था? मस्त था, और जब हम राज रेस्टोरेंट गए थे उससे भी अच्छा था। है ना, मतलब बहुत टेस्टी खाना था यार, लिटरली पनीर में क्रंच। हाँ pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you spend the night.
तो ये गाइस अभी हम लोग ने जस्ट थोड़ी देर ब्रेक लेने का सोचा है एंड मतलब शाम हो चुकी है एंड 100 किलोमीटर और बचे हैं लखनऊ पहुंचने के लिए। तो मतलब 100 किलोमीटर समझ लीजिए डेढ़ घंटा। अभी हम लोग अभी भी हाईवे पे हैं, तो एक हम लोग एक मॉल टाइप से रुके हैं जहाँ पे फूड कोर्ट्स वगैरह हैं। सो मतलब अभी बहुत तगड़ा सनसेट हुआ है जैसा आप मतलब एज यू कैन सी अब तो खैर सनसेट हो चुका है, लेकिन यार बहुत ठंड भी लग रही है एंड मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे। लखनऊ पहुँचने का वेट नहीं हो रहा मेरे से एंड हम लोग थोड़ी देर में मतलब 100 किलोमीटर और है, मतलब डेढ़ घंटे पहुँच ही जाएंगे लखनऊ। आरू आरू वहाँ पार्क में खेलने जा रहा है और लाइट्स भी जल गई यहाँ पे। सो अभी हम लोग थोड़ी देर में लखनऊ पहुँचेंगे। सो मैं आप लोग से बात करता हूँ थोड़ी देर में। एक घंटे की सर्चिंग के बाद हम लोग को एक अच्छा क्लार्क नाम का होटल मिल गया पूरे लखनऊ में। और वो तो लोग कैसा लग रहा है होटल होटल इतनी देर से करा था? तो आरू को बहुत अच्छा लग रहा है होटल उसको मिल गया, अब थोड़ा चिल करेगा यहाँ पे गेम्स खेलेगा। सो आई जस्ट सी यू गाइस इन अ मोमेंट। सो ये ज़्यादा छोड़ेगा। सो आप लोग आज व्लॉग का व्लॉग अच्छा लगा होगा, डे वन का व्लॉग अच्छा लगा होगा, डे टू का व्लॉग कल मैं सुबह स्टार्ट करूँगा 8 या 7 बजे जितने बजे उठता हूँ देखूँगा। सो डे वन का व्लॉग आज यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। एंड आई विल जस्ट सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।